हर व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार के सुख, चाहे वह सांसारिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, उनको प्राप्त करना चाहता है, उनको प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। मगर उन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी जागृत करने के लिए व्यक्ति को मंत्र जप साधन करना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती है और स्वयं सिद्ध बनकर के पूर्णता को प्राप्त होना पड़ता है। और इसके दौरान, इसके बीच में कई प्रकार की बाधाओं का उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उन रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कई बार मंत्र के सटीक उच्चारण ना होने के कारण या हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण कोई न कोई प्रकार की बाधा ऐसी आन पड़ती है कि हमें साधना में सफलता नहीं मिलती है। देखिए, हमारे ऋषि मनीषियों ने ऐसे ताकतवर मंत्रों का निर्माण किया था जो कि मनुष्यों के हर प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देने में सक्षम थे, और उन्होंने उस पर अध्ययन किया और उनके प्रयोग किए, और उसके पश्चात उन्हें खुद को इस बात का आभास हुआ कि साधना में बाधा आती है, यानी कि साधना काल के दौरान शुरुआती दिनों में व्यक्ति को बाधा का सामना करना पड़ सकता है, कोई न कोई प्रकार की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें कई बार निराशा हाथ में लगती है, क्योंकि साधना में असफलता एक प्रकार का एक स्वाभाविक कार्य है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, चाहे सटीक उच्चारण के द्वारा हो, उच्चारण शुद्ध ना हो इसके द्वारा हो, यह हमारे पूर्व जन्मों के कृत कर्मों के कारण हो, हमारे भाग्य के दोष के कारण हो, तो ऐसा हो जाता है। तो इसके निराकरण के लिए, इसका निवारण का एकमात्र उपाय जो है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि बड़ा ही सरल है और उसे अपने जीवन में ढालना बड़ा ही आवश्यक है, अगर हम स्वयं सिद्ध बनना चाहते हैं, हर कार्यक्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। तो सटीक मार्गदर्शन, गुरु के द्वारा बताया गया प्रदत्त मार्ग और इसके अलावा स्पष्ट उच्चारण, ये सभी तीनों क्रियाएं एक साथ चलनी चाहिए। मंत्र जप के दौरान इस बात का ध्यान रहे कि मंत्र जप के जिस देवता, देवी देवता से संबंधित मंत्र जप आप कर रहे हैं, तो उस मंत्र जप के साथ साथ वह छवि आपके हृदय में विराजमान होनी चाहिए। मंत्र देने वाले गुरु की छवि भी आपके मन में विराजमान होनी चाहिए, गुरु का भी भान अपने दिमाग में होना चाहिए। इसके साथ साथ मंत्र जप का क्रम एक भक्ति मार्ग के द्वारा एक बड़े ही प्रेम के साथ में मंत्र जप करें, और यह सब जब संभव हो सकता है जब आपका दिमाग शांत होगा। अशांत मंद, अशांत चित्त से अगर आप कोई प्रकार की साधना या मंत्र जप करेंगे तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, व्यवधान उपस्थित होगा। इसके निराकरण हेतु हमें ये चाहिए कि हम इन बातों से, हमें दुखी करने वाली बातों से हम ध्यान हटाएं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 80% घंटे के अंदर व्यक्ति का चिंतन यही होता है, भविष्य की चिंता, रुपए पैसे, अगले दिन की रोजी रोटी की चिंता, रुपया पैसा कमाने की चिंता, और पारिवारिक चिंता, बाहरी चिंता, घरेलू चिंता, इन हर प्रकार की समस्याओं, इन चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति रहता है। तो ऐसे समय से कारण ही, इन बातों के कारण ही यह व्यवधान हमारे साधना काल में उपस्थित होता है और हमारा ध्यान भटकता है, और ध्यान भटकने के दौरान मंत्र जब भी सही तरीके से नहीं होता है, उच्चारण भी हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि अपने मन को हमेशा स्वतंत्र रखें, मन को विचलित ना होने दें। देखिए, हर प्रकार की समस्याएं जीवन में व्याप्त होती है, आती है, मगर उन बाधाओं को पार करना अत्यावश्यक होता है, और जिस समय साधना करें तो उन कोशिश करें कि इन चिंताओं को अपने दिमाग से आप दूर हटाने की कोशिश करें। उन सभी बातों को, चाहे वो घरेलू हो, चाहे आपके ऑफिस की हो, चाहे कोई प्रकार की समस्या हो, साधना काल में बैठने के बाद में इन सभी बातों को कमरे से बाहर छोड़ करके ही बैठना चाहिए। जब व्यक्ति का सटीक मन उस साधना में लगता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति साधना करता है किसी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति हेतु करता है, मगर साधना के एक मुख्य दिवस होते हैं जो कि संकल्प के दौरान लिया जाता है। 11 दिन का संकल्प लिया जाता है, 21 दिन का संकल्प लिया जाता है, एक माह का संकल्प लिया जाता है, मगर वह तभी परिपूर्ण हो पाएगा जब आप उस पूरे दिनों की अवधि को पार कर लेंगे। यानी कि आपको अगर गुरु ने बता दिया है 11 दिन तक आपको साधना करनी है,
अब एक माला दो माला आपको नित्य करनी है। आपने कहा नहीं मैं तो एक दिन में ही मैं 100 माला कर लूंगा, 50 माला करके पूर्ण कर लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपका शरीर इस वेग को झेल नहीं सकता है, हमें सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम उन मंत्र जपों को अपने अंदर एक साथ संजो सके, उसका भार सहन कर सके, इसलिए हमें सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए जो मार्ग गुरु के द्वारा प्रदत्त बताया जाता है उसी के अनुरूप अगर शिष्य चलता है तो उसके कारण उसे जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक रास्ता किसी ने बता दिया है कि इस फलाना रोड से सीधे आप चले जाओ और वहां पे आप पहुंच जाओगे, मगर आपका मन रास्ते में विचलित हो गया, नहीं ये पास में गली गुजर रही है और इसमें गली से निकल करके मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अपने मार्ग सीधे रास्ते आप जा रहे थे, आप मार्ग से भटक गए। तो तात्पर्य यह है कि मार्ग से भटकने से अच्छा है कि सीधे मार्ग पर चला जाए, अपने मन को विचलित होने से रोका जाए, मन पर काबू किया जाए, संयम किया जाए, संयम और धैर्य रखा जाए, अपने इंद्रियों को अपने वश में किया जाए और मंत्र जप में दृढ़ विश्वास, अर्थात अपने मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त दिए गए मंत्र को ही अपना सर्व सब कुछ मान करके पूर्ण रूप से उस पे विश्वास करके, तर्कों को दिमाग से दूर हटा करके जो बड़े ही भक्ति भाव से विनम्रता से मंत्र जप करता है, एकाग्रता से मंत्र जप करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। शुरुआती दिनों में व्यक्ति के बाधा आती है, मगर उससे विचलित ना हो और दोबारा प्रयत्न करें और बार बार प्रयत्न करें, अवश्य ही आप इन बाधाओं को पार कर लेंगे और आप उन सिद्धियों को सफलताओं को हासिल कर लेंगे। क्योंकि हमारे जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार की साधना विद्यमान है जो कि मनीषियों ऋषियों देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त है, दी गई है, मगर उन साधना सिद्धियों को करने के लिए ये चाहिए है कि हम अपना आसन मजबूत करें। आसन मजबूत तभी हो पाएगा जब हम अपने मन को विचलित होने से रोक पाएंगे। इसलिए साधना कक्ष में घुसने से पहले ही सारी टेंशन को, सारी दिमाग के कीड़ों को बाहर छोड़ करके ही प्रवेश करना चाहिए और उसके पश्चात ही हमें मंत्र जप एकाग्रता से करना चाहिए। मंत्र जप का देवता जिसका आप जप कर रहे हैं, उस मंत्र के देवता गुरु और मंत्र जप का क्रम, यह तीनों साथ साथ चलना चाहिए, तो इससे निश्चित रूप से सफलता व्यक्ति को हासिल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।